हाँ भाई ये पाल के दिखाना। एक बार और, एक बार और, जो लास्ट वाली आवाज की, जल्दी जल्दी। कितनी तेज आवाज यार, ये सही में लग रही। 3:06 सुबह के। कितने मार दे? 7। शाबाश, इस बार तुम भर्ती हो गए फौज में। शाबाश मेरे शेर। भीड़ देख रहे हो, निकलने की जगह नहीं, हर तरफ भीड़ ही भीड़। इस भीड़ से मुझे याद है कौन है वो आदमी जो यूपी में आए पॉपुलेशन मिलकर विरोध कर रहा है। भाई साहब ऐसे लोगों को पकड़ के चौराहे पे मारनी चाहिए इनकी, जब तक ब्लास्ट ना हो जाए तब तक। लेकिन बाद में मारेगा कौन? और लोग मिल जाएंगे, उसकी भी कमी नहीं है क्योंकि भीड़ इतनी है। अब कुछ लोग कहेंगे तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि इतनी भीड़ है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ इतनी भीड़ ना हो, लेकिन अगर इतनी भीड़ ना हो तो कुछ लोगों के सामान में घुसली होने लगती है, और क्या प्रॉब्लम है? संत ओके, यू वॉच द वीडियो, आई एम सॉरी। इतनी भीड़ है कि कैमरा ऐसे पास रखना पड़ रहा है, अगर मैं ऐसे दूर करूं तो किसी के मुंह में लग जाएगा। इतनी चुदी है भाई साहब इस देश में। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक साहब, क्या आप मेरे ब्लॉग में आना चाहेंगे? ये हमारे मकान मालिक साहब हैं, ब्लॉग में आए हैं, अब से ही हमसे किराया नहीं लेंगे। इन्होंने कहा है मेरा महंगा फोन है ये, आईफोन से थोड़ा सा ज्यादा महंगा है। आपका आईफोन है ये? जे फोन है मेरा। जो भी आगे चलता है ना सीढ़ी पे, उसे बड़ा खतरा रहता है कि मेरे पिछवाड़े में कोई उंगली ना कर दे, इसलिए मैं तो पीछे पीछे चलता हूँ। पीछे चलने वाले को उंगली करने की आदत रहती है। टिश्यू पेपर इतने सारे क्यों पड़े हैं गेट के बाहर? क्या करते हो तुम इनका, कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? क्या करें, सिंगल लॉन्डो की यही हालत, बेचारे टिश्यू विश्यू में छेद करके काम चला रहे। मेरी जो बंदूक है सिंगल पने में हुच हुच कर रही है। अब मैं कपड़े उतार दूं क्योंकि इतनी गर्मी है, बिना मतलब कपड़े पहन के चैन पड़ता नहीं, जैसे कमरे में घुसा ऐसा लगता है कि कपड़े उतार दो, नंगे हो जाओ। चड्डी तो मजबूरी में पहननी पड़ती, वरना वो भी। ये लड़का पबजी का इतना बड़ा शौकीन है कि सूसू कर रहा है, एक हाथ में पबजी वाला फोन पकड़े, ला सूसू हम करवा दें, ला ला खोल। हम पकड़ लूंगा, मैं पकड़ लूंगा आपकी चूचू, आओ। ओके ओके बेबी। हमने एक खिड़की खोल लगी थी, हमसे हम नीचे वाले को गाली दे रहे हैं, पता नहीं क्या जला रहा है, क्या जला रहा है, और जल हमारी खुद की चाय। डिल्डो, दिव्या को अपना फोन पसंद नहीं है तो दिव्या अपना फोन मुझे दे दिया है ना? Yes. क्योंकि मेरा फोन अभी पुराना हो गया, मुझे नया फोन लेना है, मेरे लगेंगे पैसे, तो दिव्या बहुत ही दिलदार है, दिव्या ने कहा मेरा फोन ले लो तुम। इसी बात पे तुम मुझे जो फोन दे रही हो, तुम उस लड़के को एक किस कर लो जाके, अगर तुम उसको एक बार किस करने दो तो वो अपना फोन मुझे दे रही है। अरे तो यार भैया के लिए इतना नहीं कर सकते, एक फोन मिल तुम्हें किस मिल रही है भाई? गाल पे कर लेने दो, गाल पे क्या दिक्कत? ये कौन सी ब्लॉगिंग हो रही है? चश्मा बहुत ही बुरा लगता है, फेंक दो। गरीब कौन है? लाओ मैं हूँ, मैं मुझे दे, इसको लगा ले, लाओ खा लेगा कुछ। आज शुक्ला का बर्थडे था तो दिव्या आई थी शुक्ला का बर्थडे को, वो शुक्ला को प्रेजेंट करने। इसका कैमरा बहुत अच्छा है, लाइक वेरी एक्सपेंसिव। मैं तो कह रहा हूँ तुम अपना फोन मुझे दो और मुझे 20,000 रुपए और दो, तब मैं तुम्हें ये फोन दूंगा। पवन की माँ का भो कट कौन पवन है? अरे लो मैं बात करता हूँ, कहूँगा मेरी गर्लफ्रेंड है। हेलो, अरे भाई यार गुलू गुलू कर रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब कर देते हो। क्या ये क्या कर रहे थे लड़कियां? रहेगा स्कूटी कैसे चलाती? हेलमेट व्हाट? हैप्पी बर्थडे ब्रो, आज तुम कसम खाओगी तुम गाड़ी नहीं दोगे आज के बाद? कसम खाता हूँ कि किसी मानव को गाड़ी नहीं दूंगा। तुम बताओ आज मुझसे क्या चाहते हो? Which gift do you want, baby? I want क्या गिफ्ट? कैमरा ये गेट है, गेट से सीधे नीचे निकल लो। और कार चप्पल लेके आ रही होगी। Mercedes Benz की स्पेलिंग बताइए लोला। HERO CYCLE। ये तो मैं तुमको दिलवा सकता हूँ। ये अगले बर्थडे पे चाय ना भाई, चाय ओनली इफ यू किस मी। देख लेंगे लोग, देख लेंगे। अटा हुआ थोड़ी भी चाय पिलाऊंगा मैं, चाय नहीं पी, छोड़ दी छोड़ दी। चाय क्या होता है सुना सुना लगता है, पतीना है और नमकीन लगे जो पोस्ट करो हम सब दिखे ऐसे लोग बोल। अभी लास्ट वाला ब्लॉग इनके मैं रिकॉर्ड करा था, आधा भाई साहब ने डिलीट ही कर दिया। अगर हमसे बकवास करी तो तुम्हारे ब्लॉग के बीच में गाना बजा देंगे, कॉपीराइट आ जाएगा।
हमसे पंगा नहीं लेना, जो अलग ही धमकी है भाई। कमरा साफ कर रहा हूँ मैं, कमरा साफ क्या कर रहा हूँ, कमरा थोड़ा सा ठीक कर रहा हूँ क्योंकि मकान मालिक साहब को हमारे फोटो लेनी कमरे की नेट पे डालनी है, क्योंकि यही कमरा है जिसमें बहुत ही सफाई वाले बालक रहते, बाकी कमरे में नहीं रहते, बाकी आटू डाटू लोग रहते। कमरा मैंने कर दिया सेट, अभी कमरा हो गया फोटोजेनिक, बस ये लौंडा फोटोजेनिक नहीं। ए तुम यार सेंडू वेंडू मैंने ना, मैंने तो मैं तो रही आदमी हूँ, तुम बेइज्जती करवाते हो मेरी। अब लोग कहीं तुम्हारा लड़का मतलब तुम्हारा दोस्त कह अभी मकान वाले सामने वाले कमरे की फोटो खींच रहे हैं। आजा आजा हमने कर लिया, लेकिन एक बात सुन लो सर, एक फोटो का 1000 रुपया कम है, एक फोटो मतलब एक महीने का किराया माफ, सोच के खींचना ठीक है, गिन के है 5:30 5:30 गए, बैठो ना उधर वो काम करते हुए लैपटॉप पे। हाँ जा जा, जा। जा आप महंगे फोन में खींचो, मुझे खींचो भैया। तो जो आ रहा होगा ना किराया वो भी नहीं आया। हाँ काम करते हैं, देखो मेहनती लड़का है, लोगों को लगना चाहिए ना यहाँ पे वर्किंग वुमन रहती हैं। कितने का है आईफोन ये? ये पड़ गए 20 का प्लस एक्स्ट्रा लगे, एक 20 का मतलब हमारा किराया कितना है 6.5, तो आप 24 फोटो खींच लो और फोन में देख लो। एक फोटो भाई एक महीने का किराया वहाँ पर, ठीक है बात फाइनल हो गई है, वीडियो पर ये बात बोल दिया। आप भी ब्लॉगर बन गए हो, अगर किसी को कमरा लेना है तो इनसे संपर्क करें, 2 कमरे खाली हैं। 500 ना रोज नहीं, वन टाइम नहीं भैया, रोज कर रखो, रोज में बर्बाद हो जाऊंगा। 6000 किराया क्या है, 6500 15000 कटोरा लेके भीख मांगने जा रहा हूँ, चीनी लेके आते हैं सामने वाले कमरे से, चीनी है थोड़ी चाय बना रहे, दे दी बहुत ही बढ़िया लड़का, दे दी चीनी ले खाओ। मैं डालता हूँ वैसे मैं चीनी, पहले तो गैस चला, निकल गई थोड़ी सी चाय निकल गई, दो मैं सफाई कर रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ, हाय ओके बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब, कोज आई एम वेरी नाइस गाय, आई ओके बाय। हेलो गाइस, मैं टट्टी कर रहा हूँ, अब मेरी टट्टी निकल चुकी है पेट से और अब लटक रही है और अब टपक गई। हेलो गाइस, मैंने टट्टी कर ली गाइस। अद्भुत अद्भुत।